जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार को आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ आरंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री जूली ने समारोह के दौरान ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड निरीक्षण एवं पथ संचलन किया गया। समारोह में राज्यपाल के संदेश का पठन, स्वतंत्रता सेनानी तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। पुलिस एवं सेना बैंड का प्रदर्शन एवं विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बेहतर कार्य किया था। उनको जिला स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, ADM CT सुनीता पंकज समेत अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। सबसे पहले अलवर जिला कलेक्टर ने नन्नूमल पहाड़िया ने अपने जिला कलेक्टर निवास पर सुबह झंडारोहण किया। उसके बाद अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने और कैबिनेट मंत्री जूली ने मिलकर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किया और शहीदों को याद किया। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश का संविधान है, जो गणतंत्र लागू हुआ है, वो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान की ताकत है कि आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी हम सब लोग बड़ी मजबूती के साथ इस देश की रक्षा करने के लिए, हर देश के नागरिक के मान सम्मान के लिए एकजुट हैं। ये हमारे गणतंत्र की ताकत है कि आज भी इतनी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोलियां होते हुए भी हम सब लोग एक हैं, एकजुट हैं और हमारे देश का एक एक व्यक्ति इस संविधान को मजबूत करने के लिए, गणतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से अपना योगदान देता है, उससे निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता रहेगा। और आने वाले समय में भी मैं आह्वान करना चाहूँगा हमारे साथियों से कि हम सब लोगों को हमारे संविधान को मजबूत रखने का काम करना है। आज संविधान ही सबसे बड़ी ताकत है कि मेरे जैसा एक व्यक्ति आज यहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो ये संविधान की ताकत है। जय हिंद। ठीक, अवसर पर अलवर पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से सभी अलवर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही हमारी कामना है। 73वें गणतंत्र दिवस की पहले तो मैं समस्त देशवासियों को और आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ तथा जिस तरीके से भी बताया गया कि भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमारा बनाया, देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को ये ताकत दी कि वो सामने वाली पंक्ति में आगे बैठ सके और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ लेकर चल सके। यही हमारे संविधान की ताकत है, इसी से देश हमारा बना। गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ माननीय मंत्री महोदय के मुख्यातिथि में मनाया गया है। शुभ अवसर पर मैं अलवर जिले के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य और स्वास्थ्य की कामनाएं करता हूं।